कैसा गया आपका एग्जाम? क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये कितना आपने बनाया? 75। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका MTS का? दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। पिछली बार आपने कितना बनाया था? पिछली बार भी 77 बनाया था। तो पिछली बार का मुकाबले क्वेश्चन का अगर लेवल देखे तो उससे टफ था या आसान था? मैथ्स में थोड़ा टफ था। अच्छा, और बाकी सब? बाकी सब बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि मैथ्स में टोटल बनाने लायक कितने थे? कुछ कैलकुलेटिव ऐसे थे जो छोड़ने लायक हो, जैसे कि CI वगैरह छोड़ने वाले होते हैं, कभी कभी बहुत टफ पूछा जाता है। CI से तो क्वेश्चन ही नहीं था उसमें, मेंसुरेशन से ज़्यादा था क्वेश्चन। टफ किससे था? टफ मतलब मैथ्स से ही ज़्यादा टफ। मैथ्स में मतलब कौन से टॉपिक से टफ था, कुछ थोड़ा ध्यान में हो? ज़्यादातर मेंसुरेशन से था क्वेश्चन, तो थोड़ा। अब आते हैं GK GS में, कि हिस्ट्री से कैसे संभालते हैं? हिस्ट्री से अच्छा था, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं था लेकिन अच्छा था क्वेश्चन जी। अच्छा, ये बताइए कि करंट का थोड़ा बताइए, करंट कब का पूछा गया, अभी का पूछा जा रहा है? फिर से एक दो क्वेश्चन था जो कि 2023 से पूछा गया था। 2023 से जी। और इसमें क्या हो रहा है कि SSC में पूछा जा रहा है, CGL में भी, MTS में भी, थोड़ा पीछे से पूछा जा रहा है, 2020 से किसका भी सवाल था, वैसा कुछ था क्या कुछ? जी, 2021 से भी सवाल पूछा गया था, मिला जुला के पूछा गया था सर। मिला जुला पूछा गया था। अच्छा, ये बताइए कि अवार्ड एंड ऑनर से सवाल थे क्या? अवार्ड एंड ऑनर्स, इसको कौन सा अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज वगैरह? एक क्वेश्चन तो मिला था मुझे, मिला था अवार्ड का। और ये राइट ऑथर्स वगैरह, कौन सा किताब का किसका लिखा हुआ, ऐसा कुछ? जी था। कितने थे? एक दो ही थे। संगीत नृत्य से कुछ सवाल था? वो था, दो सवाल था उससे। अच्छा, ये बताइए ज्योग्राफी से कैसे सवाल थे? ज्योग्राफी से सवाल नहीं था। नहीं था, एक दो होंगे। अच्छा, होगा पर ध्यान नहीं। ध्यान नहीं, और कोई बात नहीं, सारा क्वेश्चन ध्यान में नहीं रहता। और इकोनॉमिक वगैरह से एक दो सवाल थे जी उससे? क्या थे सवाल, थोड़ा ध्यान में सवाल? अच्छा, कोई बात नहीं। अब आते हैं कि पॉलिटी से कुछ सवाल था, कॉन्स्टिट्यूशन? जी, पॉलिटी से। कितने सवाल थे उसमें? भी एक दो ही सवाल था, ज़्यादा नहीं था सवाल। ज़्यादा नहीं थे। अच्छा, ये आते हैं थोड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश का वोकैब कैसा पूछा गया, साइनोनिम कितने थे, एंटोनिम कितने थे? साइनोनिम एंटोनिम थे कम से कम 5-6 होंगे। 5-6 होंगे। अच्छा, लेवल कैसा था? लेवल बढ़िया था उसका। बढ़िया था, मतलब थोड़ा टफ पूछा गया था? जी, टफ पूछा गया। अच्छा, क्लोज टेस्ट कैसा था? वो भी अच्छा था। रीडिंग उसका कभी कभी रहता है, बहुत टफ रहता है, तो वो मतलब नॉर्मल था, टफ था, थोड़ा सा टफ था। कितने 5 सवाल होंगे? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि और बाकी आर्टिकल्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कितने पूछे गए थे? जी, फिल इन द ब्लैंक्स 6-7 होंगे, और साइनोनिम एंटोनिम से भी 5-6 सवाल पूछे गए थे। साइनोनिम एंटोनिम कभी कभी क्या है कि एकदम डीप में पूछ लेता है, मतलब एकदम टफ हो, जो जनरल यूज नहीं होता। अभी टफ नहीं था साइनोनिम, थोड़ा यूज वाले, हल्का सा डीप, हल्का डीप। अच्छा, और ये बताइए कि इसके अलावा जो जैसे कि सेंटेंस करेक्शन वगैरह, ऐसे कैसे सवाल थे? हाँ, करेक्शन सवाल पूछा गया था, उसमें भी 5-6 सवाल थे करेक्शन से। आपने काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया, थोड़ा सा और समय चाहता हूँ आपका, कि रीजनिंग का बता सकते हैं कैसा लेवल था? रीजनिंग का बहुत बढ़िया लेवल था, रीजनिंग का ज़्यादा अच्छा गया है, जिसमें से 20 में से मैंने 18 अटैम्प्ट किया, वो भी मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक कि मैंने सही मारा है। अच्छा, अटैम्प्ट किसको नहीं किया जो टफ लगा आपको? एक दो था सवाल। क्या, क्लॉक का? नहीं नहीं, क्लॉक का नहीं था वो। कैलेंडर? नहीं। सीटिंग अरेंजमेंट? नहीं, वो भी नहीं था। एक था सवाल जो कि कुछ अंक दिए गए हुए थे, उसी से मिला जुला के था। अच्छा, उसका सीरीज कुछ प्रकार में नहीं आ रहा था, कभी कभी बहुत टफ पूछ लिया जाता है। और ऐसे टफ और क्या लगा आपको, ब्लड रिलेशन वगैरह टफ था या क्या? सीटिंग अरेंजमेंट रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया था, सीटिंग अरेंजमेंट से आया था, और जितने भी थे मतलब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब? मिरर इमेज आया था, वाटर इमेज भी आया था। ओवरऑल रीजनिंग का जो था, टाइम कंज्यूमिंग कुछ क्वेश्चंस थे या सारे नॉर्मल थे, कुछ आसान कुछ क्वेश्चंस? रीजनिंग का नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था जो कि सारे बच्चे बना सकते हैं, मे बी जिसने अच्छे से पढ़ा हो। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।